हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के बारे में बताऊंगा। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के पाराओ गांव में हुआ था। उनके पिता मैकुलाल भूमिहीन कोरी थे, जिन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए एक छोटी सी दुकान चलाई। वे 5 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटे थे। उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री और डीएवी कॉलेज से एलएलबी की। वे एक झोपड़ी में रहते थे। वे केवल 5 साल के थे जब उनकी माँ चलवसी अपनी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा के बाद उन्हें 8 किलोमीटर दूर खानपुर गांव में जूनियर स्कूल में भाग लेने के लिए चलना पड़ता था, क्योंकि गाँव में कोई भी साइकिल नहीं थी। वे अधिवक्ता के रूप में भी काम किए। कानपुर कॉलेज से कानून में स्नातक होने के बाद कोविंद नागरिक सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली गए। उन्होंने अपने तीसरे प्रयास पर यह परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन वे शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें आईएएस के बजाय एक संबद्ध सेवा के लिए चुना गया था और इस तरह से कानून का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 1971 में दिल्ली के बार काउंसिल के साथ कोविंद ने एक वकील के रूप में नामांकित किया। वह दिल्ली उच्च न्यायालय में 1977 से 1979 तक केंद्रीय सरकार के वकील थे। 1977 से 1978 के बीच उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सहायक के रूप में भी कार्य किया। 1978 में वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील बने और 1980 से 1993 तक भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के अस्थायी वकील के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास किया। एक वकील के रूप में उन्होंने नई दिल्ली में निःशुल्क कानूनी सहायता सोसाइटी के तहत समाज, महिलाओं और गरीबों के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की। भाजपा सदस्य। वह 1991 में भाजपा में शामिल हुए। वह 1998 से 2002 के बीच भाजपा दलित मोर्चा का अध्यक्ष और अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रपति थे। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने देहरापुर में अपने पैतृक घर को आरएसएस में दान दे दिया। जल्द ही भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला, लेकिन वे हार गए। बाद में उन्हें भुगोईपुर 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से टिकट मिला, लेकिन फिर वे हार गए। राज्यसभा। वह निर्वाचित हुए और अप्रैल 1994 में उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के सांसद बने। उन्होंने मार्च 2006 तक कुल 12 वर्ष पूरे किए। संसद के सदस्य के रूप में उन्होंने सदस्यीय समिति के कल्याण के लिए सेवा की। अनुसूचित जाति, जनजाति, गृह मामलों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कानून और न्याय, उन्होंने राज्यसभा आवास समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सांसद के रूप में अपने करियर के दौरान संसद के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्कूल के इमारतों के निर्माण में मदद करके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। अन्य नियुक्तियां। उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रबंधन बोर्ड और IIM कलकत्ता के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में सेवा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा को अक्टूबर 2002 में संबोधित किया। राज्यपाल। 8 अगस्त 2015 को भारत के राष्ट्रपति कोविंद को बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। 16 अगस्त 2015 को पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने कोविंद को बिहार के 35वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाए। यह समारोह राजभवन पटना में हुआ। राष्ट्रपति पद का अभियान। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत के 14वें राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के बाद उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 20 जून 2017 को अपना इस्तीफा स्वीकार कर लिया।
उन्होंने 20 जुलाई 2017 को चुनाव जीता। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीना कुमार के खिलाफ राम मत को 65.65% वोट मिले। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो कुल वोटों का 34.35% प्राप्त हुए। के आर नारायण के बाद वह राष्ट्रपति बनने के लिए केवल दूसरा दलित प्रतिनिधि बन गए और पद के लिए चुने जाने वाले पहले भाजपा उम्मीदवार भी। व्यक्तिगत जीवन। कोविंद ने 30 मई 1974 को सविता कोविंद से शादी की। उनके एक पुत्र प्रशांत कुमार और एक बेटी स्वाति है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल स्नो फ्रॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।